नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात करते हैं डॉक्टर अबरा। डॉक्टर अबरा जो डेंटिस्ट है और नागपुर गेट स्थित इनका यहाँ पर दवाखाना है, आइए मिलवाते डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्ते। अभी कोरोना का पूरे विश्व में कहर चल रहा है, साथ में अमरावती में भी चल रहा है, आप किस नज़र से देखते कोरोना और क्या संदेश देना चाहेंगे अमरावती की जनता को? प्रणाम आदाब। आज के दौर में ये पूरी दुनिया और हमारा मुल्क भी भारत कोरोना के संकट से गुजर रहा है। कोरोना के संकट में सरकार की तरफ से हम लोगों की अपील आ रही है कि इससे निपटा जाए। हमें पहले समझना है कि कोरोना ये है क्या, कोविड-19 क्या है। अब कुछ लोग ये कहते हैं ये सिर्फ वायरस है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान का अल्लाह का भेजा हुआ अजाब है, प्रकोप है। और अगर और आगे चल के हम सोचें, मेरा ये मानना है कि ये वायरस की शक्ल में भेजा हुआ अल्लाह का, ईश्वर का, भगवान का अजाब है। इसलिए हमको वायरस से भी निपटना है और अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को मनाना भी है। अब वायरस से कैसा निपटें? वायरस से निपटने के लिए पिछले कई दिनों से शासन प्रशासन सरकार की तरफ से कई हिदायत हमको मिल रही है, कई रूल्स रेगुलेशन हमें मिल रहे हैं। सबसे बड़ा जो रूल है, सबसे बड़ा जो कायदा है, वो है लॉकडाउन का। हमें लॉकडाउन का पालन हर कीमत पे करना है। हमें अपने घरों में रहना है। अपने घरों में हमें रहते वक्त ये महसूस ना हो कि हम डर के घर में रह रहे हैं या अपमानित होकर घर में रह रहे हैं। हमें घर में रहना है ये समझे हम समझदार हैं। घर में रहना ही हमारी समझदारी है। डॉक्टर साहब, यह हमेशा हर जगह अभी जो पूरा प्रचार चल रहा है कि कोरोना से लड़ना है। अब कोरोना से लड़ना ये ऐसा अनजान शत्रु है, दिखता तो है नहीं, फिर कोरोना से लड़ाई कैसी? क्या लड़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन हो सकता है इसमें? अब दूसरा ये है कि ये वायरस जो है बड़ा नाजुक वायरस है। इससे बचने के लिए दूसरा ये बताया गया है कि साबुन से हाथ को हम बार बार धोएं। अगर हम साबुन से हाथ को बार बार धोते हैं तो ये वायरस धोने में साबुन के पानी से जल्द ही मर जाता है। कम से कम हमको 20 सेकंड तक हाथ धोना है, 20 सेकंड से कम नहीं, 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है तो ही वायरस मरेगा। सिर्फ हाथ को साबुन लगाए, पानी दिखा दिए, वायरस मरने वाला नहीं। तीसरा जो नियम इसके लिए आया है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमको करना है, चाहे हम मेडिकल स्टोर पर हों, चाहे किराने की दुकान पर हो, चाहे सब्जी लेने के गए हों या किसी और दुकान पर हों। हर जगह हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जब किसी से बात करने का मौका आए तो हमको कम से कम 3 फुट की दूरी से बात करना है। अगला मुद्दा ये है कि हमको मास्क का इस्तेमाल करना है। कुछ दिन पहले तक जब ये वायरस की महामारी कम थी तब ये कहा जाता था कि सिर्फ बीमार लोग ही मास्क पहने, जिनको लक्षण है वही मास्क पहने। लेकिन आज की तारीख में संख्या काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है तो मेरी ये विनंती है कि मैक्सिमम लोग, हर व्यक्ति अपने तौर पर अपना मास्क खुद पहने, हर व्यक्ति खुद मास्क लगाकर घूमे ताकि इसकी फैलने की रफ्तार, फैलने की स्पीड कम हो जाए। अगर हम इसका पालन करेंगे तो हमारे देश को होने वाला नुकसान और हानि बहुत कम होगी, इससे हम बच सकते हैं। हमको हर बार, हर रोज़ सरकार के हर नए कायदे का पालन ज़रूर करना है। सरकार का पालन करना ही हमारा पहला फर्ज है। इसके लिए हमें सरकार की बात सुनना है। हमारे घर में बाज़ार से लाई गई हर वस्तु को हमें सैनिटाइज करना है। हर चीज़ को सैनिटाइज करने के अलग अलग तरीके अलग अलग वीडियो में आ रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि बाहर से लाई गई हर वस्तु को हम साबुन से अच्छे से धो लें। कम से कम 1 मिनट तक हम साबुन से धो लें और धोने के बाद उसको अच्छा धूप में सूखने दें ताकि वायरस कहीं छुपा हुआ हो तो मर जाएगा। अब अगला जो ये मुद्दा है कि हमसे भगवान नाराज़ हो गया, हमसे अल्लाह नाराज़ हो गया, ईश्वर ने हमसे मुंह मोड़ लिया। अब हमारे समाज में
हमारे टीवी में, हमारे मीडिया में ये बात बड़ी जोर चल रही है कि हमें कोरोना से जंग लड़ना है, हमें कोरोना से लड़ाई लड़ना है, कोरोना को हराना है। मेरा अपना ये मानना है, जब हम ये कहते हैं कि ये बीमारी वायरस की शक्ल में ऊपर वाले ने धरती पर भेजा है, तो ये ऊपर वाले का भेजा हुआ हथियार है, ये ऊपर वाले का अपना वेपन है। लड़ाई या जंग हमेशा दो बराबरी के लोगों में होती है। पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि दुनिया की महाशक्तियों ने इसके आगे घुटने टेक दिए, इसके आगे अपने घुटने टेक दिए। इसलिए लड़ाई का या जंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें ऐसे शब्दों से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले को, हमारे अल्लाह को, ईश्वर को, भगवान को ये गुस्सा आएगा कि ये मुझे मनाने की बजाय, समझाने की बजाय, क्षमा मांगने की बजाय, अस्तगफार करने की बजाय मुझसे लड़ने की बातें कर रहे। हो सकता वो इस बीमारी का रेगुलेटर तापमान और बढ़ा दे। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनंती है कि वो सब जंग की और लड़ाई की बात को भूल जाएं। इसके भूलने में ही हमारी भलाई है। हमें सिर्फ इससे बचना है, लड़ना नहीं है। लड़ाई हमेशा दो बराबरी के लोगों में होती है, और हमारी हैसियत ऊपर वाले के सामने क्या है, पिछले 1.5 महीने में हमने देख लिए हैं। मेरी सबसे विनंती है कि अभी अपने पास जो जमा पूंजी है, इस जमा पूंजी को बहुत धीरे धीरे खर्च करें, क्योंकि आने वाले अगले 3 महीने आर्थिक तौर पर बड़े कमज़ोर होने वाले हैं। हमें अगले 3 महीने के लिए भी अपने पास की पूंजी बचाकर रखना है। वैसे तो सरकार की तरफ से हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। हर व्यक्ति को 5-5 किलो का अनाज 1 महीने के लिए दिया जा रहा है, और हमें केंद्र सरकार से उम्मीद है कि आगे भी 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति गरीब व्यक्तियों को मिलता जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें चिल्लर खर्च के जो पैसे लगते हैं उनको बचाना है। हमें पैसों को बहुत धीरे धीरे खर्च करना है। दूसरा और बड़ी बात यह है कि हमको अगर सर्दी खांसी बुखार, सरदर्द या मांसपेशियों में दर्द, सर्दी खांसी बुखार, सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये कुछ भी लक्षण पाए जाते हैं, तो हम फौरन जल्दी से अपने घर के पास के सरकारी दवाखाने में जाकर डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि कोई भी लक्षण कोविड से हमें डरा सकता है। इसलिए हम सरकारी दवाखानों में या किसी और डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल ना डरें। हमारा ना डरना हमारे लिए अच्छा है। हम बगैर डरे डॉक्टर के पास जाएं, अपनी शिकायत करें। अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता भी है, बीमारी हमको मिलती भी है, हमारे थ्रोट सैंपल में पॉजिटिव आता भी है, तो डॉक्टर हमें सलाह देंगे आइसोलेशन या क्वारंटाइन की। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो बगैर किसी डर के डॉक्टर की बात को मान ले। डॉक्टर से हमें किसी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है। आइसोलेशन में और क्वारंटाइन में काफ़ी अच्छी सुविधा है। आपको वहाँ बगैर डरे जाना है, बगैर डरे रहना है, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना है। डॉक्टर लोग जो है और पुलिस वाले जो है, ये आपके मित्र है, आपके गहरे मित्र है, आपके स्वास्थ्य का, आपके सेहत का इनको काफ़ी ख्याल है, ये ख्याल रख रहे हैं, इनसे हमें उलझना नहीं है। समझो अंदर क्वारंटाइन सेंटर में या आइसोलेशन सेंटर में कोई तकलीफ़ होती है तो हमें बड़ी विनम्रता से, बड़ी आजीजी से, बड़ी इंकसारी से हमारी तकलीफ़ को सिस्टम तक पहुंचाना है। लड़ाई नहीं लड़ना है, किसी से बहस नहीं करना है, किसी पर गर्म होकर कड़क बात, सख्त बात बिल्कुल नहीं करना है। हमारे मोहल्ले में आने वाले डॉक्टर्स का और आने वाले पुलिसकर्मियों का और स्वास्थ्य कर्मियों का हमें वेलकम करना है। इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी डर जैसा, भय जैसा माहौल नहीं पैदा करना है। ये थे डॉक्टर अब्रार, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया कि कोरोना से किस प्रकार हम अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।